सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। सभी देखने वालों का इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं आज प्रोग्राम के संडे एडिशन में, स्पेशल मॉर्निंग में। संडे है, संडे का मूड लेके, संडे की वाइब लेके, वही रिक्रिएशनल मूड लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर। नाज़रीन कहते हैं कि रात कितनी भी अंधेरी हो, लंबी हो, तारीख हो, लेकिन सुबह की पहली किरण ही उस अंधेरे में शिगाफ डालने में कामयाब हो जाती है और नई सुबह आती है नए इम्कानात के साथ, नई उम्मीदों के साथ। और इस सुबह के फ़लसफे को अगर हम फिर भी न समझ सके, ये सुबह जिस पैगाम को लेकर आती है उसको फिर भी न समझ सके, तो ये गलती हमारी है। सुबह में बेदार होके नई शुरुआत करनी है नई उम्मीदों के साथ, नए हौसले के साथ। और ये सुबह जब संडे की हो तो फिर हम जानते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को हमने फरामोश किया हो। आपकी एक्सपेक्टेशंस के आयन मुताबिक हम प्रोग्राम में इंतज़ाम और अहतमाम करते हैं और बहुत सारे फ़नकारों को दावत देते हैं। हमारी अक्सर कोशिश रहती है कि संडे के दिन किसी फ़नकार को दावत दी जाए, किसी मौसीकार को दावत दी जाए, वो अपने फ़न का मुजाहरा करें, क्योंकि हम जानते हैं कि ख़ासकर लॉकडाउन के आउटब्रेक के बाद रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बहुत महदूद हो गई, लोग घरों में कैद रहे। अब जो चूँकि अनलॉक का सिलसिला शुरू हो गया है, सभी रिक्रिएशनल सेंटर्स भी खुल गए हैं, लेकिन अभी भी लोग हिचकिचाते हैं बाहर जाने से, सेहत अफजा मकामात पर जाने से, बागात की सैर करने से। तो हम कोशिश यही करते हैं कि इस माध्यम के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप घर बैठे जो है आप तक हम रिक्रिएशनल और एंटरटेनिंग कंटेंट पहुंचाएं। ज़रूर पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे कि आज किस मेहमान को हमने प्रोग्राम में दावत दी है। आपको पहले ही बता देते हैं कि एक बहुत ही सुरीले फ़नकार को हमने आज प्रोग्राम में दावत दी है, जो आपको बहुत एंटरटेन करने वाले हैं अपने फ़न से। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में ही कुछ ज़रूरी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। रुख करते हैं अपनी साथी मेज़बान का। आज प्रोग्राम में मैं रहूंगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार, मेरे साथ रहेंगी नाज़िमा। बहुत शुक्रिया अमार साहब। लोग लाख कहें ये मुमकिन नहीं, मगर मैंने उसके कुन से तकदीरें बदलती देखी है। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जे एंड के। प्रोग्राम का और एक नया और ताज़ा शुमारा लेकर हम आपके मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर, इसी उम्मीद के साथ कि हमारे सभी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन बखैर व आफियत होंगे, सेहत व सलामत होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। दिन का आगाज़ इसी दुआ से करेंगे कि वो समीउल बसीर हम सब की जायज़ दुआएँ सुन ले, कबूल फरमा ले और हम सब पर अपना रहम करम करके, नजरे करम करके हमारी जिंदगियां ठीक वैसे रोशन करें जैसे एक लंबी तारीक रात के बाद एक नई सुबह रोशन होती है। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। शो के फॉर्मेट के हिसाब से आप तक अपडेट्स पहुंचाते हैं। आगाज करेंगे ट्रैफिक अपडेट्स के साथ, जो मौसूल करदा इतला हमें मौसूल हुई है उस मुताबिक जो है आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर छोटी गाड़ियों को, मुसाफिर गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त होगी, जबकि बड़ी और माल बरदार गाड़ियों को उधमपुर से श्रीनगर आने की इजाज़त होगी। मौसम के हवाले से आप तक ये जानकारी पहुंचाए कि आज दिन भर मौसम खिला खिला रहेगा, दिन भर अच्छी खासी धूप हमें देखने को मिल सकती है। दर्ज हरारत आज श्रीनगर का दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस, जम्मू का 33 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस। और इस टाइम पे श्रीनगर में भी अच्छी खासी सुबह सवेरे ठंड महसूस की जाती है, सुबह और शाम को जो है हल्की फुल्की सर्दी भी हमें महसूस होती है। और अमार साहब, ये जो मौसम है, इस मौसम में हमने अक्सर देखा है कि लोग एक काम करना पसंद करते हैं सुबह सवेरे, और वो है हरीसा खाना। हमने अक्सर देखा है कि लंबी लंबी कतारें इस ठंडे मौसम में सुबह होती है, और अगर ठंडे ठंडे मौसम में गर्म गर्म हरीसा मिल जाए तो दिन बन जाता है। आप हरीसा शौक से खाइए, मजे से खाइएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर आप उन लंबी कतारों में मौजूद है, अगर आप दुकानों पे हरीसा खा रहे हैं या फिर घर लेके जा रहे हैं, तो SOPs का जो है खास ख्याल रखें, और वहां पर भी आप फिजिकल डिस्टेंसिंग का अगर आप ख्याल रखेंगे, दिन तो हमारा हरीसा की वजह से अच्छा बनेगा लेकिन साथ में हमारी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। जी अमार, बहुत खूब नाज़िमा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम के बाद आप मुझे हरीसा खिलाने लेके जाएंगी, हम भी हरीसा इंजॉय करेंगे। खैर, नीट इम्तहानात के नतायज भी सामने आ गए हैं। सभी क्वालिफायर्स को जो कामयाब हुए हैं, जिन्होंने बहुत आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया है इस एग्ज़ाम में, हमारी जानिब से, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो ऐसे हमारे दोस्त हैं हु कुडंट मेक इट थ्रू दिस टाइम दिस ईयर,
देयर विल बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव योर मेटल, टू प्रूव योर इंटेलिजेंस, और भी मौके फराहम होंगे आपको. आप दिल ना हारिए, हिम्मत ना हारिए, हौसला बनाए रखिए, कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी. खैर, जब से हमने ये कोविड आउटब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला फिर से रिज्यूम किया है, अक्सर संडेज़ को हमारी कोशिश रही है कि हमने बहुत सारे फ़नकारों को, मौसीकारों को, गुलूकारों को दावत दी प्रोग्राम में, जिसमें कि आपने कश्मीरी मौसीकी के कुछ नगमे सुने और उर्दू गज़लें सुनी और बॉलीवुड मौसीकी सुनी. लेकिन हमारी जो सकाफ़त है, हमारी तहजीब जो है, वो एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें बहुत सारे रंगों के फूल सजे हुए हैं, जिनकी अपनी एक महक है, जिनका अपना एक रंग है. तो उन्हीं रंगों को आज हम प्रोग्राम में बिखेरने की कोशिश करेंगे, आपको एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे. आज हमारे साथ एक बहुत ही सुरीले फ़नकार तशरीफ़ फरमा है, जो 10 से लेकर 12 जबानों में गाते हैं, अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं. लेकिन जो मकबूल उनके गाने हैं वो ज़्यादा गोजरी और पहाड़ी नगमे हैं, चाहे इंटरनेट पे हों, रेडियो टीवी के ज़रिए प्रोग्राम्स देते रहे हैं और बहुत मेहनत की है, बहुत डेडिकेशन, बहुत ऑनेस्टी से आगे बढ़े हैं और आज इस मकाम पर पहुँचे हैं. हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं गुलाम हसन तबस्सुम साहब, जो कि तबस्सुम वांगती के स्टेज नेम से बहुत मशहूर हैं. आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम में. तबस्सुम साहब, कहते हैं ना कि एक फ़नकार की असल पहचान उसका फ़न होता है, उसकी आवाज़ होती है. हम चूंकि आज आप पहली बार प्रोग्राम में तशरीफ़ आवर हुए हैं, आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना है, ये जो म्यूज़िकल जर्नी आपकी है इसके बारे में बहुत जानना है, लेकिन आगाज़ हम आपकी आवाज़, आपके फ़न से ही करते हैं. आपसे गुजारिश और इस्तदा करेंगे कि आप अगर हो सके तो नातिया कलाम से प्रोग्राम का आगाज़ करें, उसके बाद हम आपसे बातचीत भी करेंगे.
छेन बिच मदीने सुन देन सब दी बोली बैठे ने बिच मदीने सुन देन सब दी बोली मंगता जो आप कोलो पर देन आप चोली कर कर तू नी मंगता बहुत खूब बहुत खूब तबस्सुम साहब और जमील अहमद शेख साहब ढोलक पे उनका साथ दे रहे थे। आपका भी प्रोग्राम में इस्तकबाल और बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगी नाजमा जी। और सुबह की आगाज बहुत खूबसूरत हुई, इतना सोना कलाम और माशाल्लाह आपकी इतनी खूबसूरत सी आवाज। आगाज में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी का आगाज कहाँ से हुआ, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं आप, अपनी जिंदगी के बारे में हमें जरा बताइएगा। मैं वांगत रहता हूँ, तहसील गंगन है, ठीक, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल है। जी, पढ़ाई लिखाई कहाँ पे की, थोड़ा बहुत अपने बचपन के बारे में बताएं। उतना नहीं कर सका, अपने ही पहले मिडिल स्कूल वांगत में, उसके बाद में हाई स्कूल वांगत, तो मैट्रिक से आगे ना नहीं जा सका, कुछ घरेलू मामलात मुश्किलात थे जी। तो उसके बाद मैंने 7 साल जो है मिस्त्री काम किया है। अच्छा। मिस्त्री काम किया, मेरे अंकल बड़े अच्छे मिस्त्री हैं उनके साथ, और घर में गरीबी की शिद्दत बहुत बड़ी थी, छोटे भाई थे, सबसे बड़ा मैं हूँ, और माँ बाप भी सारे दादी घर में थी। तो 25 रुपए से मैंने दिन की शुरुआत की है, जब मैं ₹25 का और खासकर जो मिस्त्री जिस जहाँ काम करते तो पैसे बड़े लेट मिलते हैं, कभी ये है कभी वो है। तो एक दफ़ा एक गोजरी मुशायरा था इधर हमारे वांगत में जी, तो वहाँ पे चीफ गेस्ट जो मेहमान थे वो थे जनाब हजरत मियां बशीर साहब लारवी, बहुत बड़े बुजुर्ग भी हैं, सारी दुनिया जानती है उनको, वो थे। तो मैंने गोजरी में, गोजरी मेरी जुबान नहीं है, हम कोस्तानी बोलते हैं। अच्छा, आपकी मादरी जुबान कोहिस्तानी? जी हाँ, ये सब जबानें आपने सीखी? मैंने सीखी हुई। और जो मेरा नानिहाल है वो गुजर है। अच्छा। लेकिन मेरी नानी जो थी वो गुजर थी, अब उसमें हमारे घर में कोई नहीं बोलता गोजरी, अलबत्ता हमसाया जो है वो। तो उस प्रोग्राम में मैंने एक गोजरी गजल गाई थी, तो वो उनको हजरत बाबा साहब मियां बशीर साहब को पसंद आई, और उन्होंने फिर कहा कि इस, मैं छोटा था तो कहा कि फिर दोबारा सुनी वो गज़ल, उसके बाद में मुझे कहा कि आप मेरे लिए, मेरा उनका बहुत बड़ा उनके जो बाप दादा जी हैं उन्होंने बहुत कलाम लिखा है पंजाबी में, तो कहा आप मुझे ये रिकॉर्ड कर दो। लेकिन तब तो मैं म्यूज़िक जानते नहीं थे कोई, तो पहले इसी तरह रिकॉर्ड करके दिया, फिर उन्होंने खुद मुझे जम्मू में एक हारमोनियम खरीद के दिया। बड़ी पुरानी बात है, तब हारमोनियम शायद ये कोई 2500-2500 में हारमोनियम मिल जाता, जो आज 10-12 हज़ार का मिलता है जी। तो फिर
अब मुझे जब पहली बार इंसान देखेगा तो हारमोनियम कोई लाके सामने रख दे तो कैसे बजाएं, टेक्निकलिटी जब तक पता नहीं हो, तो वो बड़े सख्त मिजाज के हैं, वो जो हमारे बुजुर्ग हैं वो सख्त मिजाज के हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको बजाओ। मैंने कहा हजरत मुझे तो नहीं आता है, गोजरी बोलते हैं वो, तो मैंने कहा हजरत तो मुझे, मैंने पहली बार देखा है तो कैसे बजाओ। अब उन्होंने एक उस्ताद को बुलाया जो सीखा हुआ था, उसको बुलाया कि भाई इस लड़के को आप सिखाओ। तो मैं तब पहली बार जम्मू गया था, जिंदगी में पहली बार जम्मू गया। तो फिर उसने कहा जी मैं, मुझे टाइम नहीं है, इसको आप कहीं और भेजो। और ये बड़े सख्त मिजाज के थे और वली भी बड़े बड़े कामल आदमी हैं, तो उन्होंने मुझे सख्त अल्फाजों में कहा कि इस डब्बे को उठाओ और घर चले जाओ और मुझे रिकॉर्ड करके भेजना। मुझे कहा कि मुझे बजाना नहीं आता, मैं कैसे रिकॉर्ड करके भेजूँ। कहा तू जाओ घर में, तेरे से लोग सीखने के लिए आएंगे, जाओ तू इसको मत सिखा। और कुछ मेरी किस्मत थी, कुछ उनकी जुबान का कहना था, तो मैंने आज तक किसी उस्ताद से नहीं सीखा, मैं गया भी नहीं हूँ किसी के पास। क्या बात है। और ना ही मैं किसी को, मेरे पास कोई स्टूडेंट मेरा भी कोई नहीं है। अलबत्त मुझे सुन के, ऐसे सिंगर हैं जो मुझे सुन के सिंगर बने। आप अच्छे सिंगर्स को आपने सुना है, फिर आप सीखे हैं, और एक बहुत ही टफ बैकग्राउंड से आप, बहुत ही एक मुश्किल एक बैकग्राउंड है आपका, जहाँ पे स्ट्रगल्स होती हैं, जहाँ पे जिंदगी आसान नहीं होती नहीं है, और उसके बावजूद आप इस शौक की राह पे चले, आपने अपने शौक का दामन थामे रखा और मंजिलों को तय करते गए। ये एक बहुत ही काबिल एहतराम और काबिल तहसीन काम है, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। आपने गोजरी जबान का जिक्र किया कि आपकी नानी जो है गोजरी जबान बोलती है, उनकी मादरी जबान है, तो एक रिश्ता बन जाता है वहाँ पर आपका गोजरी जबान के साथ। तो क्यों ना गोजरी जबान का कोई नगमा हमारे नाज़रीन के लिए, क्योंकि हमने नाज़रीन को पहले ही ये बता दिया है कि बहुत सारी जबानों में हम आज तबस्सुम साहब से नगमे सुनेंगे। लगभग 12 लगभग 12 जबानें, और जो भी मकामी सतह पे जबानी बोली जाती है यहाँ पर, लगभग हर, हम कोशिश करेंगे कि अगर वक्त मिला तो हर जबान में से हम गुजारिश करेंगे तबस्सुम साहब से कि वो हमें कुछ न कुछ नगमा सुनाए। अभी गोजरी जबान। तलाश है नजराना यार तेरी, जद तक तलाश है, मुंडा पर जिंदगी की जद तक या लाश है, नजराना यार तेरी जद तक तलाश है। मिन्ना ही जगी तुप पला साड़ेगी होर के, मिलना हिजर की तुप पला साड़ेगी होर के, है साड़ेगी होर के, तू की भी हम भी छांज चर या आस पास है, तू की भी हम भी छांज चर या आस पास है, नजराना यार तेरी जद तक तलाश है। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी आवाज में एक वो रॉ एलिमेंट है, को ओरिजिनलिटी है, और जो मेहनत आपने अपनी आवाज पे की है वो झलकता है, साफ झलक रहा है, आपके फन से झलक रहा है जी। आपने जिक्र किया कि आपके सामने हारमोनियम उन्होंने आपको ला दिया, जो आपके मुर्शिद रहे हैं, और कहा कि लोग आपके पास फिर सीखने आएंगे,
लेकिन आपको भी तो स्ट्रगल करना पड़ा होगा फिर ये सीखने के लिए, तो वो मौसीकी का वो जो सफर है, किस तरह से आगे बढ़ा, किस तरह से आपने इस फन को सीखा, हारमोनियम बजाना सीखा, ये कैसे मुमकिन हो? मेरा एक पहाड़ी सिंगर बहुत बड़े आवाज के बादशाह रहे हैं जनाब इकबाल मलनगामी साहब, मैंने नाम सुना होगा जी, जी। कल्चर एकेडमी में मुलाजमत भी करके रिटायर हो चुके हैं। सही। मैं उनको बहुत सुनता था, तो उनकी कैसेट लगानी और साथ में थोड़ा थोड़ा हारमोनियम बजाना, तो सबसे पहले मैंने उनका एक गाना इस पे थोड़ा सा अपने हिसाब से अच्छा बजाया, लेकिन अच्छा तो आज भी नहीं बजा सकता हूँ। तो फिर मैं जो ये फोक म्यूज़िक जो है, फोक गाने जो है, मैंने सारे उनके, गाता भी उनका हूँ, और मैंने उनके घर में जम्मू जाके 3-4 महीने बैठ के, तो वहाँ से उनसे मैंने ये सीखा है। जो ये नहीं कि उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि भाई ऐसे गाओ, ऐसे यहाँ से ये सुर लगानी है, ये सुर लगानी है, लेकिन उनके सामने जब बैठ के गाता था, तो फिर कभी उनसे पूछा भी नहीं कि मैंने अच्छा गाया या नहीं गाया। लेकिन वो एक ये था कि अपनी कोशिश ये थी कि मेरी इनकी, इनके सामने बैठ के इनकी सेम नकल करूं, कि कहीं से गलत हो जाएगा तो ये खुद मुझे बोलेंगे कि करेक्ट करेंगे आप गलत, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला कि बहुत खूब। जानना चाहेंगे, हमें बताइएगा कि आपकी उम्र क्या थी तब जब आपने आगाज किया अपनी? मेरी 15 साल, लगभग 14-15 साल से मैंने ये स्टार्ट किया जी। आपने स्टार्ट तो किया, जैसे अमार साहब ने आगाज में ही फरमाया कि आपने बहुत मुश्किल करनी पड़ी थी, फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि आपकी फैमिली का वैसा बैकग्राउंड नहीं था। हमें बताइएगा आपके घर से किसी की वाबस्तगी संगीत के साथ, अगर नहीं है तो फिर घर वालों का कैसा रद्द अमल था जब आपने उनसे कहा कि मुझे भाई सिंगिंग में जाना है, मुझे गाना गाना है? क्योंकि घर का सपोर्ट भी तो बहुत जरूरी होना चाहिए। घर का सपोर्ट पहले तो नहीं था, पहले ऐसे शादियों में जाते थे रात को, हारमोनियम नहीं है कोई, और मतलब ढोलक नहीं है, ऐसे ही जरी कैन होते थे, तो उनको लेके सारी रात को बैठ जाना सुबह तक और दूसरे दिन काम पे जाना। तो इसलिए मेरे घर वाले जो उस दौर में जब था, मुझे मना करते थे कि भाई रात को जागते हो, सुबह पूरा गर्दा गर्दा सारे नाचते हैं। तो हमारी शादियों में तो आज भी यही होता कि कोई वो एहतियात नहीं होता है, सुबह उठते तो बाल अकड़े हुए, बुरी लात, गर्दा गर्दा होता है। तो उस टाइम ये था कि जरी कैन हो गए, ये दूसरे कुछ, किसी के पास प्लेट, किसी के पास जो भी, तो रात को बैठ जाना और सुबह काम पे जाना। तो रात को जा के सुबह काम पे तो नहीं जा सकते, तो फिर कहीं घर से छुप छुप के कहीं सोना शोना, इसलिए मुझे घर में मना करते थे। लेकिन जब मैं पहाड़ी लोगों से मिला, मेरी दोस्ती हुई, जैसे तारिक परदेसी साहब हैं सबसे पहले जो मेरे उस्ताद हैं, इकबाल मलनगामी साहब, उनके घर में पहाड़ी बोलते हैं, फिर तारिक परदेसी साहब से मिला, फिर आरिफ काजमी साहब से मिला, फिर जमील शेख साहब, तकरीबन 15 साल से इकट्ठे संगत कर रहे हैं, जी हाँ संगत कर रहे हैं। तो फिर मैंने पहाड़ी सीखी, जब पहाड़ी सीखी तो फिर हारमोनियम मुझे बजाना अपने हिसाब से अपने लिए आ गया, तो तब मुझे घर वालों का सपोर्ट मिला कि भाई अब ये कुछ कर रहा है, ला रहा है घर। और जब मैंने पहली कैसेट मियां साहब को बना के दी, तो तब उन्होंने मुझे 2500 रुपये दिया। वो कभी गिनते नहीं, आज भी नहीं पैसे गिनते, किसी को देना तो पैसे नहीं गिनते। तो उन्होंने अपनी वास्कट में हाथ डाला, वो मेरे पे एक चादर थी, तो चादर भी मम्मी की थी, तो वो उसमें डाला, तो घर में जाके देखा तो वो 2500 रुपये थे, और जो 2500 रुपये दिन पे मैं कमाता था, और जो 2500 मिले, तो मुझे तो इंटरेस्ट और बढ़ गया। तो फिर मुझे घर वालों ने जो है इस पे सपोर्ट दिया। सपोर्ट। तो आप पहले तो आप इब्तिदा में महफिलों में गाते थे जी हाँ, लेकिन फिर आप बाकायदा कब रेडियो के साथ मुंसलिक हुए, कल्चरल अकेडमी के साथ मुंसलिक हुए, और फिर वहाँ पे आपने प्रोग्राम करना शुरू किया? ये 2002 के आसपास ऐसे एडिशन पास किया मैंने जी। तो तब से आज तक रेडियो हो गया, ये दूरदर्शन हो गया, कल्चर एकेडमी, अब तो बड़े अटैच ही बड़े हो गए हैं, कितने प्रोग्राम देंगे, कितनों को देंगे, तो 1-2 साल में, जैसे साल में एक आधा प्रोग्राम मिल जाता है जी। और आपने पहाड़ी जबान का भी जिक्र छेड़ दिया, तो क्यों ना पहाड़ी कोई नगमा जी
एक लोकगीत सुनाता हूँ जी। कोई जिंदा जी कप कण कह दिया गटिया, जिंदा जी कप कण कह दिया गटिया, थानेदार बने दागे बटिया, के जींदे को ना मारो ना मारो ना मारो माड़ी जान, के जींदा बात है जमील साहब। एक तो आपने गाया भी बहुत खूब और जमील साहब ने बजाया भी बहुत खूब, और ये जो पहाड़ी लय है, ये जो पहाड़ी एक मौसीकी का एक एलिमेंट है, ये आपको बिल्कुल उसी माहौल में लेके जाता है, पहाड़ों में, उन झील झरनों में, उन जंगलों में, और वहाँ की वो आवाज, वहाँ का वो माहौल सीधे हमारे दिल में हमने एहसास किया कि शायद हम वहीं थे। तो जिंदगी में आगे और भी मराहिल रहे होंगे और जिंदगी जो पहले मुश्किल थी, आप जब फिर मौसीकी के साथ मुंसलिक हुए, आपने फिर अल्हम्दुलिल्लाह नाम कमाया, शोहरत कमाई और पैसे भी कमाए, तो जिंदगी के हालात भी फिर बेहतर हुए होंगे। और इस मौसीकी का सफ़र, फिर कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म किया वगैरह, इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम में हम आप तक एक पैगाम पहुँचाएँ, पैगाम के बाद अखबारात की सुर्खियां, और फिर और जबानों में गीत सुनेंगे, नगमे सुनेंगे तबस्सुम साहब से। पहले ये वक्त अरे बबलू, कोविड लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े, महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहले नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क, काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा, और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा, खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हरा कर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ, कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए, रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाए, देश को आत्मनिर्भर बनाए। जय हिंद। बकौल शायर, कुर्बतें लाख खूबसूरत हों लेकिन
कुर्बतें लाख खूबसूरत हो लेकिन दूरियों में भी दिलकशी है अभी। खैर दिलकशी की तो खबर नहीं लेकिन सलामती अभी दूरियों में जरूर है, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप अपनी और अपने घर वालों की, अपने अपनों की सलामती चाहते हैं तो फिजिकल डिस्टेंसिंग को इस वक्त पर मेंटेन करने की अशद जरूरत है। कोविड के हवाले से आप तक कुछ जानकारी पहुंचाते चले, अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो यूटी में जो कन्फर्म्ड केसेस है कोविड के 610 पाए गए हैं, जिनमें से 363 का केसेस का ताल्लुक जो है जम्मू से है और 247 केसेस का ताल्लुक वादी कश्मीर से है। टोटल काउंट कन्फर्म्ड केसेस का इनके साथ 87,364 बन रहा है। रिकवरीज भी अच्छी खासी हो रही है और पिछले 24 घंटों में 809 मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को रवाना हो चुके हैं, जिनमें से 404 का ताल्लुक वादी कश्मीर से है और 405 का ताल्लुक जम्मू से है और टोटल रिकवरीज जो बन रही है 77,288 है। हम आप तक अखबारात की सुर्खियां भी पहुंचा रहे हैं, आगाज करेंगे अमार साहब जी अखबारात की सुर्खियों से। पहले कोविड के बारे में ये एक और रिसर्च सामने आई है, एक और तहकीक सामने आई है कि जैसे हम पहले अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि किस पेशेंट में सीवियर सिम्टम्स होंगे, तो अब एक ब्लड टेस्ट भी डेवलप किया गया है जिससे पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस बीमार में सीवियर इलनेस होगी। ये एक बहुत ही बड़ी पेशरफ्त हुई है कोविड में। अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे नाज़रीन। एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास, इससे कुछ सुर्खियां। अपडेट कंप्लायंस रिगार्डिंग अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स विद इन 2 वीक्स, एचसी टेल्स एस्टेट डिपार्टमेंट। एक और खबर इसी अखबार से, सीमा मुस्तफा बिकम्स फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। जी उर्दू रोजनामा मेरे पास, इससे ये खबर लेना चाहेंगे, 10वीं और 12वीं के इम्तहानात नवंबर में लेने का फैसला मुलतवी, पंचायत इलेक्शन से इम्तहान मुतासिर होने के पेश नजर मुअख्खर। जी नाज़रीन एक उर्दू रोज़नामा मेरे पास और इसमें सियाहत के हवाले से, सियाहत को फ़रोग देने के हवाले से एक खबर शाया हुई है, जम्मू कश्मीर की सियाहती सलाहियत की बीरून ममालिक तशहीर की अशद ज़रूरत, मुशीर बसीर खान। जी ये खबर सुनिएगा, अरेंजमेंट्स फाइनलाइज्ड फॉर माई टाउन माई प्राइड आउटरीच प्रोग्राम इन श्रीनगर। एक अंग्रेजी रोजनामा नाज़रीन मेरे पास और इसमें ये खबर, 2-day autumn festival commences at Pahalgam, craft bazaar, village art fest, golfing, mountain biking parts of festival. जी डॉक्टर सामून का तलबा में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स उजागर करने पर जोर, कश्मीर के पॉलिटेक्निक कॉलेजों के फारिगुल तहसील तलबा के लिए काउंसलिंग कम प्लेसमेंट मुहिम का इफ्तिताह। एक उर्दू रोजनामा मेरे पास और इसमें ये खबर शाया हुई है, वादी में महंगाई के भयानक रुख ने आम लोगों का जीना महाल कर दिया, मुनाफा खोरों और जखीरा अंदोजों के वारे न्यारे इंतजामिया की खामोशी बायस तशवीश। मेरे पास आखिरी रोजनामा, इसे ये खबर, जम्मू और कश्मीर पंचायत एक्ट में तरमीम, जिला तरक्याती काउंसिलों का कयाम। नाज़रीन ये तो थी अखबारात की सुर्खियां। आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में गुलाम हसन तबस्सुम, या जो तबस्सुम वांगती के स्टेज नेम से मशहूर हैं। तबस्सुम साहब, हमने पहले ही अपने नाज़रीन से वादा किया है कि बहुत सारी ज़बानों में आज आप गाएंगे और वो एंजॉय करेंगे, आप उनको एंटरटेन करेंगे, साथ साथ आपकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में भी बात करेंगे। तो अब हमें बताएं कि जब आप इस स्टेज पे आ गए हैं जहां आपका एक नाम है, आपको लोग जानते हैं, फेम भी मिली, पैसा भी मिला, तो अब कैसा लग रहा है? अब जिंदगी के हालात बेहतर हैं? आप इस फैसले पे आप मुतमईन हैं कि आपने मौसीकी का ये जो पाथ चुना आपने सही किया? ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का ही करम है। ये इसके साथ में शौक है बिजनेस का, छोटी मोटी बिजनेस भी करता हूँ जी, और साथ में शौकिया तौर ये भी रखा हुआ है दोनों जी। तो बस अल्लाह का शुक्र है जितना है, अल्लाह का करम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना हूँ इतना ठीक। क्या बात है, ये बड़ी खूबसूरत बात है। और ये होता है ना बाज़ औक़ात कि जब इंसान को अपने टैलेंट का अंदाज़ा हो जाता है, अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा हो जाता है, तो थोड़ा गुरूर का उनसर इंसान में मुंतकिल आ जाता है। हम दुआ करेंगे कि आप हमेशा इसी तरह से आप अपनी ऑनेस्टी, अपनी डेडिकेशन को मेंटेन रखें और ज़मीन पे ही रहें, ठीक है ना? तो क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब भी ये इंसान को ये एहसास होता है कि वो टैलेंटेड है तो उसमें थोड़ा बहुत आ जाता है वो एक अहंकार जिसे हम कहते हैं, लेकिन आप जिस तरह से आपका जो तरीका है, आपकी जो गायकी, इससे साफ जाहिर होता है आप कितनी मेहनत करते हैं इस फन को और निखारने के लिए और बेहतर बनाने के लिए। तो हमें बताएं कि इतनी जबानें जो आप इतनी जबानों में गाते हैं, ये जबानें आपने सीखी किस तरह से? मुझे
कोई भी नई चीज पाने का बड़ा शौक है। अच्छा, सीखने का शौक, मतलब कोई नई नया गाना कोई देख लूं। कई जबानें ऐसी हैं कि जो मुझे समझ नहीं आती कि इसमें वर्डिंग क्या है, मतलब क्या है, लेकिन फिर भी मैंने उसको रट लगाई जरूर है। से 10-12 जबानों में मैं गाता हूँ, लेकिन मेरी अपनी जो जबान है वो हम कोहिस्तानी बोलते हैं घर में। कोहिस्तानी जबान है। हम 1850 में कोहिस्तान से आए हुए हमारे, तो 500 से 600 घर हमारे हैं वांगत में जी। तो हमारी एक ऐसी, मैं कहूँगा कि एक गुमनाम सी जबान है कि जिसमें अभी लफ्ज़ नहीं आए कि जो लिखाई। अच्छा, मतलब जो बोली तो जाती है लेकिन लिखी अभी नहीं जाती, उसमें मतलब लफ्ज़ ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो इसलिए मैंने अपनी ज़बान को छोड़ के दूसरी ज़बानों में जो है कोशिश की है कि सीखूं, तो ज़बानें सीखने का मुझे बड़ा शौक है। कोहिस्तानी ज़बान की बात की तो क्यों ना कुछ कोहिस्तानी ज़बान में अगर मुमकिन हो पाए आप हमें सुना दें। कोहिस्तानी, मैंने पहले कहा कि उसको गाने हैं जी, लेकिन गाने अपनी ज़बान में नहीं गा सकता। तो ठीक है, आप बड़ी मुश्किल है, इंतखाब आप पे रखते हैं जी। जो भी आप इस वक्त हमें सुनाना चाहें प्लीज। बिस्मिल्लाह, एक पश्तो का गाना सुनता हूँ। वाह बहुत ही अच्छा। और हर जबान में जब आप गाते हैं तो ये लगता ही नहीं है कि आप अहले जबान नहीं है, ये आपकी मादरी जबान नहीं है। इस तरह से आपने इन जबानों को सीखा है कि आपकी जो रेंडिशन है उसमें बिल्कुल वो जबान का एसेंस रिटेन होता है, बरकरार रहता है। बिल्कुल, और कहते हैं ना कि जब आप एक ऐसा संगीत सुनते हैं आप उसको इमेजिन कर पाते हैं, आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें आती है। तो वैसे ही मैं अभी जब आप गा रहे थे तो हालांकि कोविड की वजह से हम बहुत सारी शादियां अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन मेहंदी रात वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि संगीत वैसा था और इंसान झूम रहा था। जी बिल्कुल नाजमा, और हम गुफ्तगू का सिलसिला और आगे बढ़ाएंगे। और हम चाहते नहीं कि आपको रोकें, हम ये चाहते हैं कि आप गाते रहें और हम सुनते रहें। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हम पर भी आयद होती है। नाज़रीन, एक स्पॉट के लिए रुकते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से एक पैगाम इस वक्फे के दौरान, उसके बाद फिर से ये सुरों का सफर जारी रहेगा। महकमा बागबानी कश्मीर बरोजे इतवार बतारीख 18 अक्टूबर 2020 दिन के 11 बजे से 4 बजे तक बमकामे हॉर्टिकल्चर कॉम्प्लेक्स राजबाग में एक संडे फ्रूट शो व सेल का एहतमाम कर रहे हैं।
तकरीब में हर किस्म के ताज़ा और खुश्क फल मुनासिब दामों पर दस्तियाब होंगे। अवामुन्नास से शिरकत की इस्तदा की जाती है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग जे एंड के में आप हमारे साथ बराह रास्त बने हुए हैं। खूबसूरत सा समा यहाँ पे बांधा हुआ है हमारे आज के खास मेहमान ने और इनसे बातचीत का सिलसिला जो है आगे बढ़ाते हैं और इनसे मैं पूछना चाहूंगी, जिस कदर अमार साहब ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही कि आप पैर जमीन पे रखिएगा लेकिन नजर आसमान पे रखिएगा, तो आप साथ में बिजनेस भी करते हैं और आप संगीत के साथ भी आपकी वाबस्तगी है, कैसे ये वक्त मिलता है आपको? चूंकि संगीत में इंसान को रियाज की बड़ी जरूरत होती है, तो कैसे आप वो कर पाते हैं, वक्त कहां से निकाल पाते हैं? मुझे इसमें इतना प्यार है इस संगीत के साथ, मौसीकी के साथ। जी हाँ, मैं आज से 2 साल पहले पुंछ में बिजनेस खोला था, मेरा बेकरी का अपना, जो कश्मीरी बेकरी हमारी होती उसका मेरा काम है, तो उसमें तो मैंने मुलाजिम रखे, मुझे तो आता नहीं बनाना, लेकिन मैंने जहाँ पे मेरी दुकान थी मैं दुकान पे खुद बैठता था, तो वहाँ पे मैंने एक हारमोनियम रखा था, दूसरा ये जो था ये मैंने कमरे में रखा था, और दिन में कहीं टाइम मिलता तो वैसे वहाँ दुकान पे मैं थोड़ा सा कर लेता रियाज, और जब रात को रूम पे जाता तो वहाँ पे। तो आज भी मैंने 2 रखे हुए हैं, ये घर में रहता है, दूसरा एक और है वो दुकान पे रखा हुआ है। जब भी टाइम मिलता है तो घर में जाता हूँ तो तब भी, और दुकान पे जब टाइम मिलता है। मतलब काम के दौरान भी आप वहाँ पे भी आपने हारमोनियम रखा है। वारिया जबान मज शुति गवान पन्ने फानुक मुजाहिर करा, आप कश्मीरी जबान में गा पाते हैं? जी हाँ, गा पाते, बोलते हैं कश्मीरी जबान? थोड़ी बहुत बोलता हूँ, थोड़ी बहुत, स्पेलिंग फास भी जाती है लेकिन मतलब कश्मीर को छू कात कर। अच्छा, फिक्र तु कशुर तो सन वन वे वन ये त्वाहिश करा कि पा बोजो तश कह अगर वन कहर बोथ तुम तैयार सान नाजरन खुद कर पेश जबान ना पे सो मदर लय पे सो आहंग तथ मज लफ्जन गई थोड़ा हेरा फेरी, मगर हम छो तुम माफ, तुंदिस जज्बस दाद दिवान, जिस हौसले और जिस हिम्मत के साथ, जिस जज्बे के साथ आप गाना गाते हैं। तो हमें बताएं कि तबस्सुम साहब को कहाँ कहाँ परफॉर्म करने का मौका मिला, कहाँ कहाँ गए, अपने फन का मुजाहरा किया? मैं अपनी जम्मू कश्मीर को छोड़ के कल्चर अकेडमी के साथ दिल्ली तक गया हूँ। अच्छा जी हाँ, और अपने तौर पे मैं पड़ोसी मुल्क में गया हूँ 2017 में। अच्छा, तो वहाँ पे मैंने, लोगों ने बड़ा प्यार दिया
और प्रोग्राम किए, तो अपने यहाँ पे जो इंडिया में है मैं दिल्ली तक गया। अच्छा, दिल्ली में जब आपने परफॉर्म किया ऑडियंस के सामने तो क्या उनका रिस्पॉन्स रहा? वहाँ पे तो फॉरेन लोग होते हैं और अपने आर्टिस्ट जो होते हैं ऑडियंस साथ होते हैं, तो वो फॉरेन लोगों ने बड़ा एंजॉय किया जो अंग्रेज लोग होते हैं यहाँ, बड़ा एंजॉय किया। और अपनी जो हमारी वादी कश्मीर है इसमें मैं पूरे करनाल से लेके केरन से लेके कुपवाड़ा अनंतनाग मतलब उड़ी, सबसे ज़्यादा उड़ी के लोग जो हैं मुझे प्यार करते हैं, हर जगह के करते हैं, मैं यानी कोई इसमें जी हाँ तफरीक नहीं है, हर जगह से प्यार, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरा इंटरेस्ट रहा है वो सिर्फ गोजरी, सबसे ज़्यादा गोजरी और पहाड़ी, इन दो जुबानों में मैंने सबसे ज़्यादा जो है गाने गाए हैं, गाने गाए हैं, क्योंकि वाबस्तगी है आपकी। जी हाँ, एक फनकार की ये खासियत होती है कि वो अपनी जबान को अपने फन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, सिंगर साहिबान हैं जो गाते हैं, बहुत खूबसूरत गाते हैं और लोग उनको पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है आप में क्या कुछ अलग है, क्या कुछ नया है और क्या कुछ आप करने की कोशिश करते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ उनकी तवज्जो मरकूज करें? मेरा सबसे जो खास बात है जो मैंने लोगों का जो अपने पे रिएक्शन देखा है वो यूं देखा है कि जो मेरे मुर्शिद हैं मियां बशीर साहब और जो मेरे उस्ताद हैं इकबाल मलनगामी साहब, वो भी बहुत बड़े नागाबाजी साहब के पोते हैं, मलनगाम में उनकी बहुत बड़ी दरगाह है, तो मैंने इन दोनों गद्दियों को जैसे पकड़ा हुआ है और कस के पकड़ा हुआ है, उनकी वजह से सबसे मेरी जो यहाँ तक पहुँचने का जो सबब है बस ये दोनों जगह है। और रही लोगों की ये बात कि मैंने अपने आप को टमाटर बना के रखा हुआ है कि जिस सब्जी में डाल दो, अरे वाह क्या बात है, अच्छा अच्छा प्याज और टमाटर जिस सब्जी में, हर सब्जी में मैं मिक्स हो जाता हूँ, मतलब जिस माहौल में आप मुझे छोड़ेंगे खुद को ढाल देते हैं आप उसमें, उसमें मिक्स हो जाता हूँ। ये नहीं है कि वजह है कि आपने 12 जबानें सीखी हुई है, बिल्कुल। और मौसीकी का जो रस है, आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें जब तक आप में अल्लाह ताला ने वो सलाहियत ना अता की, और सबसे अहम चीज़ है असातिज़ा जो आपके उस्ताद हों, जो आपके मुर्शिद हों, उनका अदब करना, तहजीब से पेश आना, और आपने बार बार मियां साहब का उनका जिक्र किया और आपने ये कहा कि आप उन्हीं दो पिलर्स को थामे हुए हैं और वही आपको गाइड कर रहे हैं आगे आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे के लिए, मुस्तकबिल के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये जो मकामी सतह पे ज़बानें बोली जाती हैं इनको आगे फ़रोग देने के लिए, इनकी तरवीज और तरक्की के लिए आप जैसे फ़नकार उभर के सामने आए, अपने फ़न का मुजाहरा करें और फ़न के ज़रिए से ये ज़बानें भी आगे लोगों तक पहुंचे। तो हमें बताइए इस वक्त क्या सिनेरियो है, कुछ नौजवान आ रहे हैं इन जो ये लैंग्वेजेस हैं इनमें मौसीकी को आगे बढ़ा रहे हैं? कलाकार तो इतने ज़्यादा हैं कि जिसका कोई शुमार ही नहीं है। आजकल लोगों ने इसमें बड़ा शौक पैदा हुआ है कि हम संगीत से वापसता हो जाएं, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं जो भी कलाकार हैं जो नए आ रहे हैं, मेहनत नहीं करते हैं। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि एक कई कलाकार ऐसे हैं कि जिनका तलफ़ बिल्कुल जो है वो मतलब अपनी ज़बान में, जैसे मेरी ज़बान को कोस्ता नहीं है, उसमें गाने हैं नहीं, हैं जो गाने लंबे गाने हैं यहाँ से वो वहाँ तक, एक गाना बड़ा मुश्किल है, तो मैं नहीं गाता, मुझे पता मैं नहीं गा सकता हूँ, मैं नहीं गाता हूँ। तो जोर देना एक हो गया गाना, दूसरा हो गया कि उसको पकड़ना, तो उसमें फिर कलाकार छा जाता है। जैसे रात को कहीं शादी में बैठे लोगों को तो रात काटनी है जैसे तैसे करके, लेकिन उनके पल्ले कुछ पढ़ना भी चाहिए कि इसने क्या गाया, हमने क्या सुना। ऐसा ना हो कलाकार गाए सुबह उठ के उनको ये याद ना हो कि इसने गाया क्या, हमने सुना क्या। बिल्कुल सही। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि किसी उस्ताद के, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम है नहीं, जिसके पास देखो वो अपने अपने मसरूफियात में, अपनी मुसीबतों में लगा हुआ है, खुद भी सीख सकता है इंसान, लेकिन
कोशिश ये करें कि भाई अगर ये गाना गोजरी में है तो प्योर गोजरी में खरा उतरे, अगर पहाड़ी में है या कश्मीरी में है तो उसमें खरा उतरने की कोशिश करने की जी, जी, अल्फाज की अदायगी, तलफ्फुज और जैसे मेरा गाना कोई गाना है तो कम से कम अगर मेरे से अच्छा नहीं गा सकता तो कम से कम मेरे जैसे मैंने गाया है वैसा तो जरूर फॉलो करें जी, फॉलो करें, तब मैं भी समझूंगा कि यार मैं किसी को मेरा गाना किसी ने पसंद किया है तब ये मेरी नकल कर। बिल्कुल सही। और बहुत सारे फनकार जो बड़े बड़े गुलूकार हैं वो इस बात का एतराफ करते हैं कि जितना हमने रियाज से नहीं सीखा उतना अच्छे लोगों को अच्छी मौसीकी सुन के हमने सीखा है। और कहते हैं ना कि मौसीकार भी एक मुसव्विर होता है जो खामोशी के कैनवस पे सुरों से एक पेंटिंग बनाता है, एक तस्वीर बनाता है, और फिर जब वो सुर हमारे ऑडियंस के कानों पे पड़ते हैं तो उन एहसासात और जज्बात को तरसील मिलती है जो फनकार वहां पर उभारने की कोशिश करता है। आप जब आप जब मूड में होते हैं मौसीकी सुनने के तो किन आर्टिस्ट को सुनते हैं, कौन से आपके फेवरेट आर्टिस्ट हैं हमारी वादी में, J&K में या J&K से बाहर? मेरे सारे सबको मैं सुनता हूँ, जो अच्छा गाता मैं सबको सुनता हूँ। नहीं, चुनिंदा कुछ होंगे ना जो आपके फेवरेट? चुनिंदा मैं जैसे लोकगीत हैं, इकबाल मलंगामी साहब को सुनता हूँ और इसको कावल बुखारी साहब जो हमारे आजकल नए सिंगर बडिंग सिंगर हैं, बहुत अच्छे सिंगर, उनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और उनके बड़े भाई हैं तारिक परदेसी साहब, उनको सुनता हूँ, मसरत जी को सुनता हूँ, इनकी बहन है जमील साहब जी, तो इकबाल मलंगामी साहब हो गए, वो पंजाबी में गुरदास मान को सुनता हूँ, हंसराज को सुनता हूँ, लखविंदर वडाली को सुनता हूँ, नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनता हूँ। क्या ये मुमकिन होगा कि गुरदास मान साहब का कोई गीत इस वक्त हम प्रोग्राम में पंजाबी, क्योंकि पंजाबी जबान अभी तक उसमें आपने कोई नगमा नहीं सुना है तो पंजाबी में कोई गीत?
किया, पूरा पैकेज हमें यहाँ पे अभी मिल रहा है। तबस्सुम साहब, एक चीज होती है जब एक इंसान कोई कदम उठाता है, जब वो आगे आगे बढ़ता है, एक एक स्टेप वो ऊपर ऊपर जाता है। आपने माशाल्लाह अभी तक 12 जबानें सीखी है, आगे क्या कुछ इरादा है? और जबानें सीखेंगे और गाएंगे, कुछ ऐसा आपने अपना एक गोल सेट किया हो, एक टारगेट सेट किया कि अब इसके बाद ये करना है? एक कोशिश तो है मेरी कि कुछ नया करूं, तो इंशाल्लाह इब्तिदाइश कहर होता है कि आगे आगे देख होता है। होता है, बिल्कुल सही। और हम तो यही दुआ करेंगे कि और आप जबानें सीखें, दिल्ली से बाहर भी जाएं और अपने फन का मुजाहरा करें जी। अब एक स्टेज पे आके, जब आर्टिस्ट एक स्टेज पे पहुंचता है जहां पे वो नौजवानों को इंस्पायर कर सकता है या सिखा सकता है या उनको ये बता सकता है कि अगर मौसीकी में आना है तो क्या कुछ करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, कितनी ट्रेनिंग, कितनी रियाजत की इसमें ज़रूरत है, तो एक मुख्तसर क्या पैगाम होगा हमारे नौजवानों के लिए? उसके बाद हमारे पास 2 मिनट हैं, उसमें हम कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर सुनेंगे। मैं अपने जो कलाकार हजरात हैं उनसे यही कहूँगा कि मतलब जो नए आए, वैसे तो मुझे खुद भी पता नहीं है सुरों का, ना सुरों के नाम पता है, ना राग का पता है, कुछ पता नहीं है, लेकिन जितना मैं हूँ मैं अपने हिसाब से मैं ठीक हूँ। लोग प्यार करते हैं और मुझे में इसमें मज़ा आ जाता है, तो मैं सबसे यही कहूँगा कि इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि रियाज दिन में जितना टाइम मिले, ये ज़रूरी नहीं कि 3 घंटे सुबह, क्योंकि अपना काम धंधा भी है, तो जब भी टाइम मिले, ये ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप मुख्तसर सा कोई टाइम अपने रखना है, जितना भी टाइम मिले आपको, 10 मिनट मिले, आधा घंटा मिले, घंटा मिले, तो घर में अपने आराम से रियाज करना है। बहुत बहुत अच्छा पैगाम, और हम ये तवक्को करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज जो इस पैकेज का वादा हमने किया था, हम किसी हद तक उस वादे को निभाने में कामयाब हुए हैं। आपका नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहे। इस थो तो इजाज़त हैथ कैज के इस करो कंक्लूड ये म्यूजिकल नोट सी पे, तो हम सटा सटा शुक्रिया तो रुजो आज के प्रोग्राम में पन थे ख्याल एडवाइजरीज गाइडलाइंस करियो फॉलो पगह सब दी तो ऐसे मुलाकात इस प्रोग्राम में, मगर वनकस करो इस कंक्लूड जो भी आप तबस्सुम साहब जाते जाते हमारी नाजरीन के नज़र करना चाहें, कोई हिंदी सॉन्ग या जिस भी जबान में इंतखाब आप तक है प्लीज। एक हिंदी जी। वो दिल कहाँ से तेरी याद जो बुला, वो दिल कहाँ से इस म्यूजिकल नोट पे हमने